इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पीसी या लैपटॉप में साउंड ड्राइव का प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन उसमें आपको विंडो को इंस्टॉल करते या कंप्यूटर को फॉर्मेट करते तो हमारा जो साउंड ड्राइव का कई सारे जो प्रॉब्लम होता है, तो आपका पीसी या लैपटॉप में साउंड ड्राइव को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है और जो सभी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाते आप हमारे इस तरह नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस हमारा जो पीसी है, तो पीसी में अभी तक हमारा कोई साउंड ड्राइव इंस्टॉल नहीं है, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा जो टास्क बार पट्टी है, तो इस पट्टी में जो साउंड ड्राइव का ऑप्शन है, तो उसमें हमारा अभी तक कोई साउंड ड्राइव इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए मैं सभी प्रोसेस आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले जूम करके आपको बता देता हूँ कि नो ऑडियो आउटपुट डिवाइस आ रहा है, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमारा पीसी है, तो पीसी में जो साउंड का प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है और अभी तक हमारा कोई साउंड ड्राइव इंस्टॉल नहीं है। तो चलो मैं सबसे पहले डिवाइस मैनेजर को ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करके सर्च में आपको सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। तो फ्रेंड, मैंने डिवाइस मैनेजर को सर्च कर दिया है और वही मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें जो साउंड का ऑप्शन आता है, तो वही हमारा शो नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पीसी में अभी तक कोई साउंड ड्राइव इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए मैं सबसे पहले तीसरा जो चेकआउट करने के लिए हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद चलिए मैं कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें जो साउंड का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा कोई साउंड ड्राइव इंस्टॉल नहीं है। तो आपके पीसी या लैपटॉप में जो किसी भी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आपको आसान तरीके सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद आपको साउंड ड्राइव को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो आपका पीसी या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर ओपन करना है। तो चलिए इस हमारा जो पीसी है, तो पीसी में मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें मैं लाइव प्रूफ करके आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और आपको ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च में टाइप करना है ऑडियो साउंड ड्राइव डाउनलोड। तो चलो मैंने इस तरह सर्च कर दिया है ऑडियो साउंड ड्राइव डाउनलोड, और आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपको कई सारा जो साइट है वही आपको ओपन हो जाएगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको Realtek हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइव फॉर विंडोज 7 है, तो उसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका विंडोज 7 है 32 बिट या 64 बिट उसमें आपको यूज कर सकते हो, विंडो XP में भी यूज कर सकते हो। तो चले जो साइट है वही साइट ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद उसमें साउंड का जो ड्राइव है वो उसका जो फाइल है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो चले आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो चले जो साइट है वही ओपन हो रहा है। तो चले मैं वेट करते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रोसेस आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इसी तरह जो साइट ओपन हो जाएगा, और उसमें जो दो ऑप्शन दिखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट वाला और दूसरा वाला, तो आपको फर्स्ट में जो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि दूसरा जो KB वाला साइज है और जो फर्स्ट में जो साइज है वही MB वाला है। तो आपको जो फर्स्ट में जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस साइट पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो ऑडियो साउंड ड्राइव है वही आपका PC में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा जो पीसी है, तो पीसी में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गए। तो चलो मैं डाउनलोड का ऑप्शन पे ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो चलो मैं 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पीसी में जो साउंड ड्राइव है वही हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड, आपको इस तरह डाउनलोड कर देना है, क्योंकि जितना MB होता है उसमें इतना टाइम लग जाता है। तो चल मैं डाउनलोड करके आपको आगे प्रोसेस कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आपको पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपको इस तरह ऑडियो साउंड का ड्राइव है वही आपका पीसी में डाउनलोड कर देना है, और डाउनलोड होने के बाद आपको शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। तो अभी देख लीजिए कि हमारा कंप्लीट डाउनलोड हो गया है। तो चल मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपका पीसी में जो डाउनलोड का फोल्डर है वही आपका ओपन हो जाएगा। तो हमारा इसमें पीसी में ओपन हो गए। तो इस ड्राइव को आपको
पीसी में इंस्टॉल करना है तो आपको पीसी या लैपटॉप में इस तरह इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के लिए आपको माउस से राइट साइड क्लिक करके रन पे क्लिक करना है। तो चलो मैंने रन पे क्लिक कर दिया है। तो चलो मैं सबसे पहले सभी पेज को मिनिमाइज कर देता हूँ और मिनिमाइज करने के बाद चलो मैं आपको इंस्टॉल करके बता देता हूँ कि आपका पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड अभी देख लीजिए कि हमारा सही से जो उसमें ओपन हो रहा है, तो आपको इस तरह जो पेज है वही ओपन हो जाएगा। तो आपको वेट करना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हमारा पीसी में ऑडियो साउंड है वही हमें इंस्टॉल करना है। तो चलो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और आपको आई एक्सेप्ट सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आपको इस तरह सभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो आपका पीसी में इस तरह इंस्टॉलिंग हो जाएगा। तो हमारा पीसी में जो ऑडियो साउंड ड्राइव है वही हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो चले मैं वेट करते हैं क्योंकि सभी प्रोसेस है वह हमें कंप्लीट करना है। गैस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैं वीडियो को पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सभी प्रॉब्लम है ऑडियो साउंड ड्राइव का वह हमें लाइव प्रूफ करके मैं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह सॉल्व करना है। तो जो प्रोसेस है वही हमारा कंप्लीट हो रहा है और कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह जो फिनिश का ऑप्शन या नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलो मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद फिर से जो रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइव है वही आपका पीसी में इस तरह इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा पीसी में इंस्टॉलिंग हो रहा है। जो मैं कंप्लीट आपको प्रोसेस सभी कर देना है क्योंकि आपको जो आगे का प्रोसेस है जो वीडियो को है वीडियो को आपको पूरा देखते रहिए क्योंकि मैं सभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो चलो मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आगे पेज है वही हमारा उसमें ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह आपको जो सभी प्रोसेस है वही आपका कंप्लीटिंग इंस्टॉलिंग करना है तभी आपका पीसी या लैपटॉप में ऑडियो साउंड का प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम आपको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अभी देख लीजिए कि हमारा सही से इंस्टॉलिंग हो गए और इंस्टॉल होने के बाद आपको आगे प्रोसेस क्या करना है वही मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ कि हमारा जो टास्क बार पट्टी में देख लीजिए कि अभी तक हमारा कोई साउंड ड्राइव का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है और मैं लाइव प्रूफ करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए कि आपको इस तरह जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वही आपका पीसी या लैपटॉप में इस तरह जो सभी प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है और ऑडियो साउंड का प्रॉब्लम है वही आपका पीसी या लैपटॉप में आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस हमारा सही से इंस्टॉलिंग हो गए लेकिन दो ऑप्शन आ गए जो यस का और नो का। तो आपको यस पे क्लिक करना है। जो आपका पीसी है वही आपको रिस्टार्ट करना है तभी आपका उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन है तो इस वजह से मैं नो करता हूँ और नो पे क्लिक करने के बाद मैं पीसी को रिस्टार्ट करता हूँ और रिस्टार्ट करने के बाद आगे मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि आपका आगे प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है और आपका पीसी में जो ऑडियो साउंड का प्रॉब्लम है वही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड को सबसे पहले ऑफ करता हूँ और ऑफ करने के बाद जो मैं पीसी है तो वही पीसी को मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ और रिस्टार्ट करने के बाद आपका सभी प्रॉब्लम है ऑडियो साउंड का वही आपका आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो मैं पीसी को रिस्टार्ट करता हूँ और रिस्टार्ट करने के बाद चलो मैं फिर से पीसी को ऑन करता हूँ और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस मैंने पीसी को रिस्टार्ट कर दिया है और आपने स्क्रीन पे देख लिया है और आपका टाइम पे देख लीजिए। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो ऑडियो साउंड का प्रॉब्लम था वही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है क्योंकि आपका इस तरह पीसी को रिस्टार्ट करना है तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व उसमें होता है। तो चलो मैं सबसे पहले डिवाइस मैनेजर को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद उसमें मैं डिवाइस मैनेजर में ऑडियो साउंड को भी बता देता हूँ कि हमने इंस्टॉल किया है वही हमारा सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। अभी देख लीजिए कि हमारा सही से प्रॉब्लम है वही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो आप देख लीजिए कि साउंड का प्रॉब्लम था जो ऑप्शन है वही हमारा उसमें शो हो रहा है लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था तो उसमें शो नहीं हो रहा था। तो हमारा जो इंस्टॉलिंग हमने कर लिया है तो चलिए मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद चलिए मैं साउंड पे क्लिक करता हूँ और साउंड पे क्लिक करने के बाद अभी देख लीजिए कि हमारा उसमें साउंड भी आ रहा है जो मैंने पहले ही बता दिया था तो उसमें शो नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा इंस्टॉलिंग नहीं था। लेकिन मैंने साउंड ड्राइव है वही मैंने सही से पीसी में इंस्टॉल कर दिया है डाउनलोड करके। तो आपका पीसी में इस तरह जो प्रॉब्लम है वही आपको आसान तरीके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड अभी देख लीजिए कि टास्क बार पट्टी में जो ऑडियो साउंड का प्रॉब्लम था
भाई मैंने आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बता दिया है। तो आपको इस तरह पीसी या लैपटॉप में साउंड ड्राइव को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है तो इस तरह आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।